थे सारी दुनिया देख ले इसको, ये इंटरनेट झूला है या आलमगीर झूला। एंटरप्रेन्योर, उस्ताद, मेंटोर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट, ये वो कुछ अल्काबाद हैं जो लोग रेहान अल्लाह वालों को मुखातिब करते हुए कहते हैं। एक ऐसी हमजहत शख्सियत जिसकी सोच, फिक्र और अमल का महवर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एम्पावरमेंट है। रेहान अल्लाह वालों को टेक्नोलॉजी से शगफ बचपन ही से था। चीज़ों के काम करने के अंदाज और एल्गोरिथम को समझने की सलाहियत उन्हें विरसे में अपने वालिद से मिली थी। ये बचपन में खिलौने खोलकर उसे समझते और फिर जोड़ देते। रेहान अल्लाह वाला की टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से कुर्बत उस वक्त और बढ़ गई जब उनके वालिद ने उन्हें 1980 की दिहाई में कॉमोडोर 64 कंप्यूटर खरीद कर दिया। ये उस जमाने के एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स में से एक था। रेहान अल्लाह वाला एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। उनकी वालिदा जनाबे मुनव्वर इखलास अल्लाह वाला ने उनकी तरबियत में मुल्क से मोहब्बत का अंसर भी रखा। यही वजह है कि जब 13 साल की उम्र में रेहान अल्लाह वाला ने अपनी कंपनी शुरू की तो उसका नाम पाकिस्तान कंप्यूटर्स रखा। इस कंपनी के बैनर तले रेहान अल्लाह वाला ने कॉमोडोर 64 कंप्यूटर्स के लिए डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर इंटरफेस, जो कॉमोडोर 64 कंप्यूटर के लिए पैरेलल प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर में कन्वर्ट कर दिया करता था, बनाया। इसके अलावा वॉइस डिजिटाइजर, मेमोरी एक्सपेंडर, डॉल्फिन डॉस, टैप टू टैप बैकअप बनाए। जैसे जैसे रेहान अल्लाह वाला की उम्र पुख्तगी की जानिब जा रही थी, वैसे वैसे उनमें कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज आने लगे। वो ये बात समझ चुके थे कि आने वाले दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट की बदौलत दुनिया में कम्युनिकेशन और काम करने के अंदाज बदल जाएंगे। यही बात वो अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों को बताते ताकि वो लोग अपने आप को इस तब्दीली के लिए तैयार कर लें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से से एक US नंबर हासिल करके अपने घर या बिजनेस फोन पर कॉल कर सकता है। ये ख्याल था रेहान अल्लाह वाला का, जो इस बात पर मुसिर थे कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी शख्स एक US नंबर हासिल करके अपने फोन नंबर पर राउट कर सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। रेहान अल्लाह वाला का ये ख्याल हकीकत में उस वक्त तब्दील हुआ जब सन 2000 में एक पब्लिक नेटवर्क पर USA फोन नंबर के साथ IP के जरिए पहली बार वॉइस कॉल की गई। वर्चुअल फोन लाइन को अपने इस यूनिक कॉन्सेप्ट के बाइस सन 2001 में स्प्रिंग इंटरनेट वर्ल्ड एक्सपो, जो लॉस एंजलिस में मुनक्किद थी, में रिकग्नाइज किया गया। ये बात काबिले जिक्र है कि VPL अपने इब्तदाई सालों में थी, जबकि VPL के मुकाबले सिस्को, 3Com, Oracle और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े नाम थे। गूगल की सर्विस गूगल वॉइस और इस जैसी प्रोडक्ट्स जिन बुनियादी ढांचों पर खड़ी है, वो रेहान अल्लाह वाला की इन्वेंशन की बदौलत मुमकिन हुई। रेहान अल्लाह वाला वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पहला कॉल सेंटर लाइसेंस हासिल किया और 2003 में कराची पाकिस्तान में मुल्क का पहला कॉल सेंटर सेटअप किया। उस वक्त 1 MB बैंडविड्थ की कॉस्ट $70,000 थी। ये बात 1997 की है। रेहान अल्लाह वाला का विजन था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंटरनेट पर टेलीफोन एक्सचेंज बनना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने इस हवाले से एक डोमेन जो कि ip-pabx.com था परचेस करके वेबसाइट बना डाली। उन्हीं दिनों रेहान अल्लाह वाला के एक देरीना दोस्त केन डेविड ने रेहान अल्लाह वाला से एस्टेरिस को डिस्कवर करने का कहा। कुछ ही अरसे बाद रेहान अल्लाह वाला की टीम ने एस्टेरिस पर ip-pabx.com बना डाली। इस सिस्टम को मजीद इन्हेंस करने के लिए बिलिंग सिस्टम पर काम किया गया। रेहान अल्लाह वाला समझते थे कि जो प्रॉब्लम हमें दरपेश है और लोगों को भी इन्हीं मसाइल का सामना रहा होगा, लिहाजा हमारा सिस्टम उनके लिए एक बेहतरीन मददगार और मुआविन साबित हो सकता है। ip-pabx.com का प्राइमरी डोमेन didx.org कर दिया गया और इस तरह रेहान अल्लाह वाला का विजन जो उन्होंने 1997 में देखा था DIDX की सूरत में पूरा हुआ।
आज DIDX एक मल्टी बिलियन बिजनेस है जो दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में अपनी सर्विसेज दे रही है। 2006 में पाशा ने DIDX को रिकॉग्नाइज करते हुए पाशा ITC अवार्ड से नवाजा। 2010 में DIDX को 13 डेटा नेशनल IT एक्सीलेंस अवार्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पाकिस्तान में रिहान अलावाला की टेक्नोलॉजी में काबिले कदर खिदमात का एतराफ था। DIDX.net और वर्चुअल फोन लाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन फील्ड में रिहान अलावाला की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिससे ना सिर्फ आज दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं बल्कि कम्युनिकेशन पहले से आसान और कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। रिहान अलावाला अपनी एक्सपर्टीज यानी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की तबलीग में शब रोज मसरूफ रहते हैं। अपनी फैमिली, कम्युनिटी और आवाम में आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के मुस्बत इस्तेमाल की बात करते नजर आते हैं। रिहान अलावाला इंटरनेट पर उस जमाने से बात करते आ रहे हैं जब इंटरनेट पाकिस्तान में चंद लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। 2000 की दिहाई में जब पाकिस्तान में कंप्यूटर आम होना शुरू हुए तो रिहान अलावाला ने इंटरनेट, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के हवाले से वेबसाइट्स बनाई। रिहान अलावाला ने कम्युनिटी, स्कूल और हेल्थ फील्ड में ऑटोमेशन लाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाए ताकि लोग इंटरनेट के जरिए अपनी सेहत, स्कूल और कम्युनिटी के मामलात को देख सकें। रिहान अलावाला ने इंटरनेट के फरोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर पब्लिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को अपना कर दुनिया से जुड़ जाएं और तेज़ी से बदलती हुई दुनिया का हिस्सा बन जाएं। रिहान अलावाला किताबों के मुसन्निफ भी हैं। आपने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्किल ट्रेनिंग पर उर्दू जबान में 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। रिहान अलावाला की सबसे पहली शाये की जाने वाली किताब इंटरनेट क्या है रहबर पब्लिशर्स के जरिए शाये की गई। इस किताब में रिहान अलावाला ने इंतहाई सहल अंदाज में इंटरनेट की तारीख, हाल और मुस्तकबिल पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। COVID-19 पेंडेमिक के दौरान रिहान अलावाला ने टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज मुरतब किए ताकि मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग डिजिटली लिटरेट हो सकें, वो टेक्नोलॉजी को अपना सकें ताकि COVID-19 के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल से मुकाबला कर सकें। ये वीडियो कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त में rehantraining.com पर अवेलेबल हैं। इसी तरह रिहान अलावाला ने डिजिटल लिटरेसी पर किताबें भी तहरीर की हैं। ये तमाम किताबें ऑनलाइन रीड और PDF की सूरत में बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती हैं। रिहान अलावाला इस बात के हामी हैं कि एक आम पाकिस्तानी तक इंटरनेट और कनेक्टिविटी की फराहमी ऐसे ही मुमकिन बनाई जाए जैसे ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं। रिहान अलावाला समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब लोग इंटरनेट के जरिए दुनिया से कनेक्ट हो जाएं, आने वाली नई इजादात को कबूल करें, स्किल सीखें, अपने नेटवर्क को वसी करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं, क्योंकि अगर एक आम पाकिस्तानी खुशहाल होगा तो खुशहाल होगा पाकिस्तान।